दोस्तों आज के सेशन में हम सिंगल फेज डिजिटल एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर डिवाइस कनेक्शन किस तरह किया जाता है, किस तरह सीटी कनेक्शन किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंगल फेज डिजिटल एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर डिवाइस है। इस डिवाइस के जरिए हमारे लोड के द्वारा कितने एम्पेयर करंट लिया जा रहा है या हमारे यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है काफी आसानी से मेजर कर सकते हैं। आप इस डिवाइस को किसी भी मोटर स्टार्टर के साथ इंडस्ट्री में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप आपके हाउस में भी इसे काफी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आपके लोड के द्वारा कितने एम्पेयर करंट लिया जा रहा है या आपके यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए इस डिजिटल एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर डिवाइस के साथ हमें एक सीटी भी मिल जाता है, जिसका हम कनेक्शन काफी आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके पास 5 एम्पेयर तक का कोई लोड है तो आप उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। यदि 5 एम्पेयर से ज्यादा का कोई लोड है तो फिर आपको यहाँ पर सीटी कनेक्ट करना होगा। चलिए सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। यह हमारे पास टेंस इलेक्ट्रॉनिक का DIV72 मॉडल का बेस्ट डिजिटल एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम काफी आसानी से वोल्टेज एंड करंट मेजर कर सकते हैं। चलिए कनेक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सप्लाई इनपुट वोल्टेज देखिए लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा, जो कि 150 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट एसी तक हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको सिंगल फेज लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर एल प्लस आई एन का एक टर्मिनल दिया गया है। अब जिस भी फेज का आपको वोल्टेज मेजर करना है उस फेज वायर को आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। इनपुट कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सीटी कनेक्शन करना है। सीटी के लिए आपको 2 वायर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एक सीटी आपको डिजिटल एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर के साथ दी जाती है। देखिए के और एल में आपको 2 वायर कनेक्ट कर देना है। तो जो यहाँ पर ब्लैक वायर दिया गया है यह इसका प्राइमरी का वायर है और जो व्हाइट वायर दिया गया है यह सेकेंडरी का वायर है। तो ब्लैक वायर को आपको यहां पर के में कनेक्ट कर देना है और जो व्हाइट वायर दिया गया है उसे आपको एल में कनेक्ट कर देना है। इस डिवाइस के जरिए आप 5 वोल्ट से लेकर के 300 एसी वोल्ट मेजर कर सकते हैं एंड 1 एम्पीयर से लेकर 100 एम्पीयर तक करंट मेजर कर सकते हैं। आज के समय में इस डिवाइस का इंस्टॉलेशन हम एक ड्यूअल स्टार्टर के साथ समझने वाले हैं, जिसका कनेक्शन हम प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं, हम ड्राइंग के जरिए भी समझने वाले हैं। देखिए हमारे पास यहाँ एक ड्यूअल स्टार्टर है और यह पुश बटन है। किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया गया है हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से जो न्यूट्रल वायर है इसे हमने कॉन्टेक्टर के A1 सिरे पर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है और जो फेज वायर है उसे पुश बटन के जरिए दिया है। देखिए फेज सबसे पहले हमारा स्टॉप पुश बटन में आया। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट है वही यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट किया है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा ये कॉन्टेक्टर की कॉइल में जाएगा, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, बट उतनी ही देर के लिए होगा जितनी देर के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है। इसे परमानेंट ऑपरेट करने के लिए देखिए यहाँ से हमने कनेक्टर यहाँ पर NO में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि हमें होल्डिंग कनेक्ट करना है। होल्डिंग के लिए देखिए हमने आप होल्डिंग के लिए वायर NC के आउटपुट से या फिर NO के इनपुट से ले सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ से NO के इनपुट से एक कनेक्टर लिया है और NO में कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह हमारा ड्यूअल स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो चुका है। यदि आप प्रॉपर ड्यूअल स्टार्टर कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। चलिए अब किस तरह से इसमें प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें न्यूट्रल कनेक्शन कर देना है। तो न्यूट्रल के पॉइंट पर हमें न्यूट्रल कनेक्शन सबसे पहले कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। देखिए न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लाइन वायर कनेक्ट करना है या फेज वायर कनेक्ट करना है और एल प्लस आई एन का जो टर्मिनल है वहां पर भी हमें फेज वायर कनेक्ट करना है, जिस फेज का हमें वोल्टेज मेजर करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है क्योंकि हमें इसी फेज का वोल्टेज मेजर करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कनेक्टर कनेक्ट कर यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब यहीं से देखिए एक कनेक्टर हमें लेना है और इसे एल प्लस आई एन का जो टर्मिनल दिया गया है यहाँ पर लूप कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है,
जिससे हमारे पास डिजिटल एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर में डिस्प्ले आने वाला है। अब हमें लोड के लिए सीटी कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले हम सीटी कनेक्शन समझ लेते हैं, फिर किस तरह से इसमें लोड का कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो वायर दिया गया है, जो यहाँ पे ब्लैक वायर दिया गया है ये सीटी का इनपुट वायर है S1 वायर, तो इसे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, और सीटी का जो सेकेंडरी वायर है उसे हमें यहाँ पर जो सेकंड टर्मिनल L टर्मिनल दिया गया है यहाँ कनेक्ट कर देना है। सीटी आप कहीं पर भी कनेक्ट कर रहे हैं, सीटी का वायर कभी भी लूज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पर ब्लास्ट हो सकता है, तो सीटी के वायर को आप प्रॉपर टाइट कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमारा सीटी कनेक्शन भी हो चुका है, हमारे पास डिजिटल एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर का प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। अब हमें लोड कनेक्शन करना है, तो लोड के लिए हमारे पास जो न्यूट्रल वायर है उसे तो हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्टर में, यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देना है, जो कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल है यहाँ से फेज और न्यूट्रल हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले कनेक्ट करना है, और इसके आउटपुट से हमें मोटर टर्मिनल में एक वाटर पंप मोटर तक लेकर जाना है, तो न्यूट्रल देखिए हम यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले। देखिए आप कनेक्शन को फुल टाइट कीजिएगा, लूजिंग ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए न्यूट्रल यहाँ पर आ चुका है, अब जो फेज वायर है यहाँ से हमें फेज वायर ले लेना है, और इसे सीटी के अंदर से गुजारते हुए हमें लेकर जाना है, ताकि लोड के द्वारा जितना भी करंट लिया जाएगा हमारे पास डिजिटल एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर में शो होगा। देखिए सीटी के अंदर से गुजारते हुए हमें कॉन्टेक्टर के इनपुट सिरे पर यहाँ पर L1 सिरे पर इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर अब इस लोड के द्वारा जितना भी करंट लिया जाएगा इस सीटी से हमें यहाँ पर मेजरमेंट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कनेक्शन प्रॉपर हो चुका है, और कनेक्शन में कोई लूजिंग ना उसका आपको ध्यान रखना है। ये जो टैंस इलेक्ट्रॉनिक तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, यदि आपको इसका किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास आउटपुट में हमें एक वाटर पंप मोटर को कनेक्ट कर देना है, तो वाटर पंप मोटर का देखिए जो आउटपुट फेज वायर होगा इसे हमें कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देना है, और न्यूट्रल को भी सिंपली कनेक्ट कर देना है। आप इस डिवाइस को इंडस्ट्री में भी किसी भी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और हाउस में भी इसका इंस्टॉलेशन काफी आसानी से किया जा सकता है। चलिए अब हम पावर को ऑन कर लेते हैं। देखिए पावर ऑन हो चुका है, जैसे ही पुश बटन प्रेस किया जाएगा हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और वाटर पंप मोटर स्टार्ट होगी। देखिए जैसे ही हमने पुश बटन प्रेस किया, मोटर के द्वारा 3.7 एम्पीयर करंट लिया जा रहा है और 214 वोल्टेज यहां पर आ रहा है। तो जितना भी करंट लोड के द्वारा लिया जाएगा और जितना भी इनपुट वोल्टेज आपके यहां आ रहा है, काफी आसानी से आपको यहां पर प्रॉपर शो होता रहेगा। देखिए यहां पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए जैसे पुश बटन प्रेस किया, यहां पर हमें करंट एंड वोल्टेज दोनों ही शो हो रहा है, तो काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। आप इसे आपके घर पर एंड इंडस्ट्री में काफी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका कनेक्शन भी काफी सिंपल है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।